स्टॉकिंग्स पहना रहे हैं जो कि वाइट जो कि इनका मेजरमेंट लेकर के दिया है। ये एडी का पोर्शन है जो कि एडी में आना है इस जगह। हम इसके लिए सबसे पहले इसको हाफ में फोल्ड कर लेंगे और हमने ये फोल्ड करने के बाद ये वेयरिंग एड मैन को पहना दी है। अब हम ध्यान रखेंगे कि ये पार्ट नीचे की तरफ रहेगा जो एडी का पार्ट है और हमने आधा फोल्ड कर जो किया था उसको ऊपर डाल दिया। अब हम अपने अंगूठे का ये वाला पार्ट देखिए नाखून नहीं इस्तेमाल करने, हमने ये वाला पार्ट से ऊपर कर दिया इसको। अब हम इसको धीरे धीरे अपने हाथ के इस पार्ट का सपोर्ट करते हुए पीछे लेकर के गए और हमने इसको थोड़ा सा ऊपर किया। फिर हम फिर से अपने हाथ की उंगलियों का और इस पार्ट का प्रयोग करते हुए फिर से लेकर के गए ऊपर और हमने फिर से ऊपर किया। हमने माताजी से बोला माताजी थोड़ा सा आप स्टॉकिंग्स खींचे, तो वो थोड़ा सा अपने घुटने के ऊपर खींच ली। अब देखिए अभी एड़ी आई नहीं है, एड़ी यहां पर है। हम फिर से हमने पीछे किया और एड़ी को हमने सेट करके यहां पे लगा दिया और जो हमने खींचा था वो वापस थोड़ा थोड़ा हमने ऊपर कर दिया। इसके बाद हमने इसको यहां से पकड़ा और अपनी दोनों उंगलियों का प्रयोग करके इसको खींच लिया, सबसे जो वेयरिंग एड था। अब देखिए एड़ी जो है बिल्कुल परफेक्ट जगह पे आ गई है। अब हमने इसको जो सिलवटे थी उसको निकालने के लिए मैम को बोला दो मिनट रुक जाएं जरा ऊपर आ जाने दे, नहीं तो वो हमने इसको पूरा स्टॉकिंग्स को ऊपर कर दिया। और इसके बाद हमने इस घुटने के ऊपर से इसको सीधा कर दिया। हमें ध्यान रखना है ये सिलिकॉन बैंड्स हमारे शरीर को टच करेंगे, नहीं तो ये बार बार नीचे आएगी। तो मैम माताजी थोड़ा सा आगे आ जाइएगा प्लीज। हमने ये सिलिकॉन बैंड को उल्टा करके ये हमने क्लियर कर दिया और हमने कोशिश करी कि ये हम सिलिकॉन बैंड्स को मैन को के बॉडी को टच करवा दें। देखिए यहां से भी अभी सिलिकॉन बैंड टोटल टच नहीं कर रहे। अब हमने उठा करके ये जितने भी इनके फोल्ड्स वगैरह आए हुए थे सबको खोल दिया। यहां से एक फोल्ड आया हुआ है और ये घुटने के नीचे एक फोल्ड आया हुआ है। दोस्तों क्या नाम है आपके पोते का? ठीक है उत्कर्ष आपको ध्यान रखना है ये दादी के बिल्कुल पैर को टच करते हुए रहेगी और फोल्ड ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है बेटा, चलो बेस्ट ऑफ लक। ये वीडियो स्पेशली आपके लिए हमने बनाया है ताकि आपको दिक्कत ना हो। स्टॉप कर दें।